माया यूनिवर्सिटी का माया की कैरेक्टर की बात फिर खतरे में है। कुछ दिनों पहले, दो साल पहले की बात हो गई, माइनॉरिटी कैरेक्टर के मामले को लेकर के तो बड़ी लड़ाई लड़ी गई, उसके नतीजे में रिस्टोर किया गया और बड़ी खुशी मनाई गई थी कि माइनॉरिटी की एक यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर दिया गया। लेकिन एक बार फिर एक खतरा आया है, आज ही सुबह खबर आई। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इस वक्त मरकजी हुकूमत बीजेपी की, ये एक एक करके एक तरह से माइनॉरिटीज़ के हकूक को, दलितों के हकूक को, कमज़ोरों के हकूक को धीरे धीरे एक तरह से देने के बजाय जो कुछ भी है उसे भी हासिल वापस लेना चाह रही है। एक तरह से वो फिर एक पुराने दौर में, 5000 साल पुराने दौर में इंडियन सोसाइटी को ले जाना चाहती है, उसके तमाम हकूक को सल्व करना चाहती है। SIU ऑफ इंडिया इस पूरे मामले को किस नज़र से देखती है, उसका क्या मौकफ है, आने वाले दिनों में इस के रेस्टोरेशन के लिए अगर कोई मुहिम चलती है तो उसमें SIU का क्या रोल हो सकता है? बिलखसूस जामिया मिलिया इस्लामिया के मामले में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा मानना ये है कि 2011 में जब इसको रिस्टोर किया गया था माइनॉरिटी स्टेटस को, एक बहुत बड़ी जंग के बाद बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ थे और उसको रिस्टोर किया गया। लेकिन आज का जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD की तरफ से एक स्टेटमेंट था जो मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए से हमको मालूम होता है, उसमें ये है कि ये जो पिछली बार इन्होंने जो एफिडेविट फाइल की थी वो लॉ के ख़िलाफ़ है, वो इलीगल है, ऐसा उनका मानना है। तो इसके अगेंस्ट में वो काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे और जो माइनॉरिटी स्टेटस जामिया मिलिया इस्लामिया का है उसको फिर से वो कैंसिल करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत अगर हम इसकी हिस्ट्री, पास हिस्ट्री देखते हैं, उसमें हमको ऐसा महसूस होता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है मुसलमानों ने बनाई है, मुसलमानों के भलाई के लिए, माइनॉरिटीज़ को जो है पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बनाई थी। और ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट के आर्टिकल 30 के तहत, जिसमें 2G सेक्शन में जो है इसको, इस यूनिवर्सिटी को क़ायम किया गया था ताकि माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए किया जाए। क्योंकि जब इसको रिस्टोर किया था उस वक्त 50% ऑफ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई थी। अभी चूँकि जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़कर, मुस्लिम कम्युनिटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, ये उनको कहीं ना कहीं ख़तरा महसूस होता है। अगर हम इनको 2014 के इलेक्शन से देखते हैं तो उस वक्त से इन्होंने पहले तो न्यू एजुकेशन नाम पे एजुकेशन को कम्युनलाइज करने की कोशिश की है। फिर अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, इस पंजाब नहीं बल्कि इस नॉर्थ इंडिया के जो टेक्स्ट बुक्स अगर हम देखते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं NCERT के अगेंस्ट में, उसके रूल्स के अगेंस्ट में टेक्स्ट बुक में कंटेंट भी उन लोगों ने किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो एजुकेशन को डायरेक्ट तौर पर वार करते हैं। पहले HCU को अटैक किया था, फिर JNU पर अटैक हुआ था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फिर DU पर अटैक हुआ है, AMU पर, आज फिर से जो है कुछ दिनों बाद फिर JNU पर इन्होंने अटैक किया है। इनका मानना है कि हम जो एफिडेविट फाइल किए हैं वो लॉ के अगेंस्ट है, इसके बदले, इसके खिलाफ वो अपना स्टेप पीछे लेना चाहते हैं। हम उनसे डिमांड करते हैं कि ये चूँकि माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए माइनॉरिटी स्टेटस इसको दिया गया था, इसको बरकरार रखा जाए। और हम जुडिशियल, इंडियन जुडिशियरी में भरोसा भी रखते हैं कि ये जुडिशियरी जो है सही फैसला देगी। इनको जो इनका एफिडेविट होगा, जो बैक स्टेप लिए हैं डिफेंस में, अगर ये बैक स्टेप उनका है, ये बैक स्टेप अगर वो NET JRF पर लेते तो लाखों के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता था। अगर उनका ये बैक स्टेप नीट उर्दू के वक्त होता तो इस साल भी जो है 11,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम उर्दू में लिखने के पोजीशन में हो सकते थे। ये इनका जो एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर जो अटैक है, ये बहुत मुस्तकबिल में ख़तरनाक है। ये मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि आगे चल के जिस तरीके से ये सीट कट जो है JNU का किए हैं, वहाँ पर भी SC ST और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ OBC को जो है बहुत नुकसान हुआ है। ये सिर्फ एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, हर कम्युनिटी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो जो एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट करने की बात की है, उस स्टेप को फिर से बैक लें और जामिया मिलिया इस्लामिया का जो माइनॉरिटी स्टेटस है उसको बरकरार रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।